पहले दो मेल कपल्स के साथ रह चुका हूँ, पहली बार दो फीमेल कपल्स के साथ रह रहा हूँ, वो भी कुबा में। भाई ये कल का ब्रेड है। मैंने जब इन लोगों को मैसेज भेजा था काउच सर्फिंग पे, तो उन्होंने लगा कि मैं कोई छिछुड़ा हूँ। मेरे को बोलता है कि हम लोग के पास इंडियंस का एक अलग इमेज है। एक और चीज़ देख के मैं शॉक हो गया, यहाँ पे अपना जेट स्प्रे है टॉयलेट में। मैं सुन के बहुत गुस्सा हो गया कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हो मेरे देश के बारे में। ये काउच सर्फिंग का अलग एक्सपीरियंस था, पहली बार लेस्बियन कपल्स के साथ रहना, वो भी कुबा में, वो भी थोड़ा इलीगल काम था। तो हेलो गाइस, आपको पता है कि कुबा में, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि फॉरेनर्स को घर पे रखना अलाउ नहीं है, सिर्फ दो फॉरेनर्स अलाउड है साल में, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है ताकि लोग इलीगली धंधा ना करें। तभी इतने सारे एयरबीएनबी टाइप के खड़े ताकि लोग लीगली सरकार को टैक्स दे के ये धंधा कर सके। तो घरों में आप दो जन रखो या तीन जन रखो, सबसे सस्ता हम लोग को मिला है $5 में तीन जन, ठीक है। तो काउच सर्फिंग जो मैं करता हूँ घूमने के लिए, लोगों के घर रहता हूँ फ्री में, वो यहाँ पे टेक्निकली इलीगल होना चाहिए। काउच सर्फिंग मैंने बहुत जनों को रिक्वेस्ट डाला, बहुतों ने बोला कि यार मैं होस्ट नहीं कर सकता, घुमा दूंगा, या फिर होस्ट कर सकता हूँ तुमको 8 यूरो देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो काउच सर्फिंग कर रहे हैं अपना प्रॉफिट रख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिनिमम पे करना पड़ता है पर पर्सन का $1, माने 25 पैसों से या फिर 100 पैसों कुछ ऐसा होगा, वो है मिनिमम एक जन का। बट जितने भी काउच सर्फर हैं होस्टिंग कर रहे हैं सब अपना मार्जिन रख के बात करते हैं, मार्जिन रख के बोलते हैं $8 या फिर $7। हम लोग को सबसे अच्छा डेबिट मिला था $5 में दो जन को रखा। अभी मैं हवाना में आ गया हूँ आखिरी बार के लिए, आज है संडे और ट्यूजडे सुबह मेरी फ्लाइट है। अभी काउच सर्फिंग होस्ट मिली है, सीधे बस सिर्फ दो रेफरेंस है और वो बोल रही है कि ठीक है आ जाओ मेरे घर मुफ्त में। अभी देखते हैं क्या सीन है, मुफ्त में क्या मिलता है। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है लीगल कॉस्ट का, और ये सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 30 मिनट दूर है। देखते हैं एनी के घर क्या होता है। माई फर्स्ट काउच सर्फिंग रियल एक्सपीरियंस इन कुबा। तो यार पहली बार आ गया मैं काउच सर्फिंग दूसरे घर, यहाँ पे दो जन रह रही है, अच्छा है, सीन समझ में नहीं आ रहा। उधर दो फ्लैग्स देख के तो कुछ और ही लग रहा है, कुछ और ही सीन लग रहा है, पर देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। इस पर दिया दे मादरे सी मैं वेर मुझा पोस्टर से लगा ही है। आज है मदर्स डे और हम लोग आ गए अपने काउच सर्फिंग हाउस के घर, पहली बार मैं रह रहा हूँ काउच सर्फिंग हाउस के साथ, और ये दो जन जो है ये दोनों कपल्स हैं, दो फीमेल कपल। मैं पहले दो मेल कपल्स के साथ रह चुका हूँ, पहली बार दो फीमेल कपल्स के साथ रह रहा हूँ, वो भी कुबा में। तो कितना लीगल है कितना इलीगल है मुझे को नहीं पता, बहुत जन ने बताया कि ये इलीगल है, पर बहुत जन ने बताया कि ये पॉसिबल है कि मैं रह सकता हूँ किसी के घर एक या दो दिन के लिए, पर उससे ज़्यादा अगर रहूँगा तो पंगा कर सकते हैं ये गवर्नमेंट वाले। तो ऐसा घर है इनका। दिसे ओला सुन काम आना। मैंने इनको अपना YouTube चैनल दिखाया, अभी ये लोग मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं, सब चौंक गए कि मेरे पास 80,000 सब्सक्राइबर है। क्या मेरे को ना पहले एक टाइम था जब मैं किसी को दिखाता था अपना चैनल तो मेरे को थोड़ा शर्म आता था, बट अभी नहीं आता है। अभी तो 3 साल हो गए, 3 साल में सिर्फ 80,000, क्या करते यार, लोग आते हैं 3-4 कंट्री घूम के 100 के 200 के कर लेते हैं, और मेरा 50 के ऊपर हो गया, 100 के नहीं हुआ। चलो हो जाएगा, ये वीडियो आते आते तो पक्का होना ही है। इसमें काम रहा मैंने जब इन लोगों को मैसेज भेजा था काउच सर्फिंग पे कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने लगा कि मैं कोई छिछुड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब आया
फिर मेरे को मैसेज ने रिप्लाई नहीं किया था। मैं जब पहली बार आया था हवाना में एक हफ्ते पहले, फिर आज मैंने फिर से मैसेज डाला मैं आ रहा हूँ हवाना पे, होस्ट कर सको कि नहीं। फिर इन्होंने आज मैसेज डाला कि चलो आ जाओ घर पे। फिर मेरे को बोलता है कि हम लोग के पास इंडियंस का एक अलग इमेज है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसे इंडियंस अपना नंबर निकाल लेते हैं और फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, गलत शरीर के गलत 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 अंग के फ़ोटो भेजते हैं। मैं सुन के बहुत गुस्सा हो गया कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हो मेरे देश के बारे में, क्यों ऐसा हो रहा है। कुबा को तो बहुत जन जानते भी नहीं। फिर वो बोला सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और फिर मैंने बोला मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने अपना फ़ोन दिया व्हाट्सएप का, उनका जो ब्लॉक लिस्ट है, ब्लॉक लिस्ट में कितने सारे इंडियन नंबर्स, मेरे को 30-40 इंडियन नंबर दिख गए, 91 91 प्लस 91, ये सारे इंडियन नंबर्स है। इन सबको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, टोटल 100 जिनको ब्लॉक करके रखा है उनमें से 40 इंडियंस है। 100 में 40 इंडियंस है जो खराब भाषा में मैसेज करते हैं और क्या क्या कुछ बोलते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप लोगों में से, मतलब मैंने बता रहा कि आप लोग में से कोई हो बट अपने में ऐसा खराब इमेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब वीडियोज़ में किसी को दिखाता हूँ, आप लोग क्या करते हो, बार बार ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। जैसे मैं पैराग्वे में मेरे दोस्त के साथ गया था डेट पेट पे, तो आप लोग बोलते हो यार इसका कॉन्टैक्ट दे दो, मेरे पास मेल्स आते हैं आप लोगों से कि यार इसका ईमेल आईडी दे दो, इसका कॉन्टैक्ट दे दो। प्लीज़ ये बंद करो, मेरे वीडियो में मैं जिनको दिखाता हूँ वो मेरे प्राइवेट मैटर है, पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मज़े आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको डिस्टर्ब करो या फिर उनको वीडियो में मैसेज करो। ऐसा जब मैं सुनता हूँ कि इंडियंस ऐसे करते हैं, इंडियंस का ऐसा खराब इमेज है, तो अच्छा नहीं लगता है। अभी ये लोग मेरे को अपने घर में नहीं ला रहे थे पहले हफ्ते में, क्योंकि लग रहा था कि हाँ इंडियन है चिचौड़ा होगा। और उनको लगा, इनको तो ये भी लगा कि मैंने काउच सर्फिंग में जब इनको मैसेज डाला मैं इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया से मैसेज डाल रहा हूँ। फिर मैंने आज बताया कि मैं वड़ादेरू से हवाना आ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया ओ तू सच में कुआ है, चल आ जा करते। तो ये सब चीज़ें मत करो, ज़्यादा ज्ञान हो गया पता है, बाकी का वीडियो एंजॉय करो ठीक है। एक और चीज़ देख के मैं शॉक हो गया, यहाँ पे अपना जेट स्प्रे है टॉयलेट में। पेपर की कमी थी कुबा में पर जेट स्प्रे है, मज़ा आ गया। तो उन्होंने मेरे लिए चिकन राइस बनाए और मैं भी खा रहा हूँ। और अब तक जहाँ पे कासास में रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी मिलता था, बट यहाँ पे क्योंकि काउच सर्फिंग है तो खाना भी मिल रहा है। एना इंग्लिश लिटिल बिट नो नादा मने आना। इनका घर है और इनका बाद में बताऊंगा। अपने इंडिया में जैसे राशन कार्ड होता है राशन कार्ड, वैसा ही यहाँ पे कुबा में भी राशन कार्ड होता है, इधर भी राशन चलता है। ये है का राशन कार्ड एस 93 personas। ओके इस लिबरे दा पड़ा कासा और पड़ा पर्सोना तो फैमिली का बुक होता है आदमी का नहीं। ओके इतने सोलो पोला कासा कौन डायरेक्शन। तो इनके साथ जो पूरा कन्वर्सेशन था ये था स्पेनिश में, पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो राशन कार्ड है इसका बहुत मायने पड़ता है कुबा में, क्योंकि कुबा में जो तंकुआ है बहुत कम है। मैंने बताया था कि आम आदमी का तंकुआ है महीने का 2,000 to 3,000 rupees, और 2,000 to 3,000 rupees में उनको संसार चलाना पड़ता है। तो 3.5 kilo आरोज चावल हर आदमी को मिलता है पर उनमेस और बैंडियस उनमेस। वैसे आपको पता है कि सिर्फ इंडिया में कुबा में और कुछ गिने चुने कंट्रीज में ही अभी तक राशन मिलता है, पूरी दुनिया में राशन का सिस्टम है नहीं। और ये क्योंकि ये सोशलिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे ये बनना ही था, और कंट्री का हालत बहुत ख़राब है आप लोगों ने पूरे सीरीज़ में देख लिया है। और यहाँ पे मुझे एक पता चल रहा है कि इनको राशन मिलता है महीने में, हफ्ते में कुछ चीज़ें हफ्ते में ले सकते हैं, कुछ चीज़ें डेली ले सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, चीनी हो गया, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, बादाम हो गया, और अपने बीन्स हो गए। फिर तो यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और इनका हिसाब अलग है, लोगों की उम्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कभी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जैसे दूध सिर्फ बच्चों को मिलता है 7 साल के बच्चे तक। अच्छा अपना राजमा मिलता है 500 ग्राम केस, आप आधा लीटर तेल मिलता है, डेढ़ लीटर तेल मिलता है 3 जन के लिए, तो हर आदमी का 5 आधा लीटर दोस्त लिबरस
शुगर तो एक किलो चीनी हर आदमी का तो चार किलो पर पर्सन चीनी मिलता है साल और ये सब हिसाब है तीन जन का एक महीने के लिए। तो एक महीने में तीन जन का 1.5 लीटर तेल में क्या ही जाएगा, क्या ही खा पाएंगे। और ये लोग तो ये बता रहे थे कि यहाँ का क्वालिटी बहुत ही खराब होता है, इनको कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है। और बाहर से अगर आप लोगे तो उसका भी एक लिमिट है। खाते में पीछे एक और एरिया है जहाँ पे आप अलग पैसे देके एक्स्ट्रा पैसे देके चीज़ें खरीद सकते हो, पर वो भी एक लिमिट में, क्योंकि हर कुछ राशन की दुकान में नहीं मिलता है। कुछ प्राइवेट सब्सिडाइज हो चुके हैं पर उसका भी एक लिमिट है, क्योंकि एक बंदा ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा चीज़ें ना ले पाए। अंडे का पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं कमेंट करके समझा दूंगा। चीनी भी नहीं सब मैं बता दिया आप लोगों को। अंडे का पूछता हूँ, अंडे का क्या सीन है? अंडे तो हम लोग बहुत खाते हैं। तो महीने का हर जन को सिर्फ 10 अंडा मिलता है, 10 अंडा। हम लोग दिन में 2 अंडा खाते हैं। खासी दोस्त भी है हम लोग तो दिन में 2 अंडे खा लेते हैं, इन लोग को 10 मिलते हैं। ई कारने कोमो पोयो नो तो 1 किलो से भी कम चिकन मिलता है। पर मैंने ई लेंटल्स नो आई है ¿Qué más? El pan, que es un pan por persona diario. Por día. Uh-huh. Entonces, yo cojo cada día comprar o compra una vez por sí. No, vas cada todos día. Los días a comprar. Un pan, así. Y entonces, todo le di en lina para pan. Necesito lina en el harina. Lina. Harina. Har din bread ke liye es de hoy. Uh-huh. हर दिन इस ब्रेड के लिए लाइन लगाना पड़ता है। कौन सा टेम्पो मासो मेनो से ला फीला A veces no hay nadie. A veces no hay तो कभी कभी कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ का ब्रेड बहुत ही बेकार है। और कभी कभी बहुत जन रहता है, बहुत जन भी मतलब 10 जन। तो ये इनका राशन कार्ड है और ये देखो es de ayer en serio sí. ¿Te puedes matar una persona? भाई ये कल का ब्रेड है। सही कह रहा हूँ, अल्लाह ने पैसा सही कहा है ना मुसलमान। Es para qué ¿Para qué? Para matar a una persona, para defenderte. Es un arma blanca. भाई इस ब्रेड से इंसान को मारा जाता है। मैं ट्राई कर रहा था, बोला तुम्हारे दांत टूट जाएंगे इस ब्रेड से। Oh my God. Pero, ¿por qué comprar? ¿Cuánto vale? Un peso. एक पैसो मतलब 90 पैसे का एक ब्रेड है। Entonces, si no compras eso, tienes que comprar una jawa que trae 8 panes por 50 pesos. 8, como así or como así. Y más pequeño pero bueno o como para matar personas. No, suave, pero son solo 8 por 50 pesos. तो अगर आप ऐसे नहीं तो आपको बाहर खरीदना पड़ेगा। 8 ब्रेड आपको 50 पैसे में मिल जाएगा, पर वो टेस्ट अच्छा होता है। फिर मैं pregunta, ¿cuánto vale pan así? ¿Por qué comprar? तो चावल मिलता है यहाँ पे 10 पैसों किलो। 10 पैसों आप राउंड फिगर लगा लो, 10 रुपये। 10 रुपये किलो में चावल मिलता है। 20 रुपये किलो में चीनी मिलता है। अच्छा, अंडे मिलते हैं 10 अंडे जो महीने का मिलता है इनको। 10 अंडे का उनको देना पड़ता है 12 रुपये। और फिर तेल का देना पड़ता है 0.5 लीटर का 18 रुपये। अभी इंडिया के प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो सस्ता है, पर इंडिया का राशन कितना है पता नहीं। बचपन में मेरे घर में हम लोग राशन लेने जाते थे केरोसिन का या फिर कुछ और चीज़ का। और इंडिया में राशन मिलता है और यहाँ पे भी राशन मिलता है, बट इंडिया में हम लोग पता नहीं, बाकी जिनका हालत थोड़ा ख़राब है पता नहीं, बट इंडिया में उतना तो
डिफरेंस नहीं है राशन वैल्यू का और रस्ते का माल पे, और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। ये कौन तो वाले आरो सिनला अफोरा पोला का ये ahora el pomo de aceite está en el arroz 60 pesos, 50, 60 pesos la libra. तो 20 रुपए किलो राशन का और 120 रुपए किलो रस्ते में। ये क्या कोसा है मास el valor es más diferente, por ejemplo, muy barato en la libreta pero muy caro en la calle. Sí. ¿Qué cosa? Es más el aceite. No, lo todo entendí, pero ¿qué es? Hay mucha diferencia. ¿Entendí? Yo creo que el aceite le cuesta 18 pesos por persona. Y en la calle la botella cuesta 450 pesos. Uff. ¿Y aceite de sunflower? ¿Aceite blanco? Sí, el de... Tel, 15 rupees, आधा लीटर का मिलता है, और रास्ते में मिलता है 400 रुपये आधा लीटर का। तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इक्के को सा उससे और अंडा जो 1 रुपये 20 पैसे का मिलता है, 20 रुपये का अंडा, 20 रुपये का एक अंडा, इस मास का रोते इंडिया इन इंडिया उना वो लगा ये 8-10 pesos. ¿En la calle? No hay en la libreta, siempre comprar en la calle. ¿Y qué cosa tú necesitas comprar más y no? एक और चीज़ यहाँ पे मिलता है सिर्फ 10 पैसों में, लड़कियों का जो पीरियड्स चलता है, पीरियड्स के जो पैड्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाता है, पर बहुत कम मिलते हैं। एक जन को शायद 3 पैकेट चाहिए होता है, पर उनको सिर्फ एक मिलता है 50-10 में, और बाद की रास्ते में लेना पड़ता है 60 में। नहीं 50 में नहीं, 2 पैसों में मिलता है, 2 पैसों। कुबा में 2 करेंसी यूज़ किया जाता है। कुपर कौन सा टेम्पो से आसी सीओ से कौन सा जाना तू से आसो कमो बंटा हम 28 20 साल से दूसरा करेंसी था सीओ सी, जिसका वैल्यू होता था 1 सीओ सी यानी कि 25 कुबन पैसों, बट कोविड के बाद इन्होंने इसको हटा दिया और जितने भी सी ओ सी थे सबको बैंक में लाइन में जाके अपना सी ओ पी में कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे अपने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वैसे यहाँ पे भी हुआ था कुआ में। मेरे को बारी बारी में इंफॉर्मेशन मिल रहा है और मैं सब इनसे लेके तुम लोग को दे रहा हूँ। बिजली बहुत ज़रूरी होता है, बिजली ज़रूरी होता है घर में, और इनका 2.5 जन का फैमिली है, टीवी देखते हैं और थोड़ा बहुत लाइट बिल करते हैं। मैंने पूछ लिया पिछले महीने में कितना दिया बिजली का बिल, तो सिर्फ 70 रुपये बिजली का बिल दिया इन्होंने पिछले महीने में। बहुत इंटरेस्टिंग से पता चली है, मज़ा आ रहा है। आत रहा। तो ये अपना आज है बेड, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ और आराम से सोऊंगा यहाँ पे। सोचा नहीं था कि कुबा में पॉसिबल होगा असली कंस्ट्रक्शन, बट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। Sí. Ya, buenas noches. Buenas noches. Ah, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी फ्लाइट है 10:30 बजे निकलना है यहाँ से, और बच्चों को रेडी किया जा रहा है स्कूल के लिए। इधर भी स्कूल सुबह सुबह चालू हो जाता है और वक्त है बाय बोलने का। तो ये काउच सर्फिंग का अलग एक्सपीरियंस था, पहली बार लेस्बियन कपल्स के साथ रहना, वो भी कुबा में। वो भी थोड़ा इलीगल काम था क्योंकि अलाउड नहीं है कुबा में काउच सर्फिंग, बट आप लोगों को बहुत चीज़ बता दिए इस देश के बारे में, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा। बाकी मिलेंगे अलग से काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस में, अलग से कंट्री में।